देशवर जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ। नमस्कार। आई एम वेरी एक्साइटेड कि इतने बड़े प्रोड्यूसर धीरेन्द्र जी, हाँ इनके साथ मैं एक गाना करने जा रहा हूँ, जय भगवान जय श्री राम के ऊपर। तो ये बहुत खुशी की बात है, इतने बड़े लेजेंड के साथ गाना करने जा रहा हूँ। अच्छा, इन्होंने भी फिल्म भी की है संकट मोचन हनुमान, और अयोध्या में 50 दिन शूट किया है और आपने अयोध्या पर गाना बनाया है। ये तो बस सौभाग्य है, पता नहीं था, बट जहाँ संकट मोचन राम और वहीं जय श्री राम अरे वाह, ऑटोमेटिक आ गए। ये तो प्रभु का मुझे लगता ही सारा है, और ये तो डिस्नी ने बनाया है। तो डीम भैया, गाना आपको कैसा लगा इनका? अच्छा लगा है, हमारी शुभकामनाएं हैं इनके साथ। इन्होंने बहुत अच्छा एक भगवान राम के ऊपर, अयोध्या के ऊपर इन्होंने एक बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा गाना बनाया है इन्होंने। तो इन्होंने मुझे सुनाया, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने बोला इनसे कि मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको आगे शूट करने में। तो उन्होंने जो भी चीज़ें अपनी बताई, तो मैंने कहा ठीक है, चलिए ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, फिर क्या प्लान है। तो बोले सर, फिर मैं तुम चला जाऊँगा शूट करने में। बोला आप जाइए शूट करिए, वहाँ पे जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स होंगी वो पूरी हो जाएंगी। तो अभी अपना प्लानिंग कर लिए हैं जाने के लिए, और मुझे लगता है कि 2-4 दिन 5 दिन या जो भी टाइम लेंगे ये इनके जी, ऊपर डिपेंड करता है। तो अयोध्या में शूट करेंगे। अयोध्या में शूट करेंगे ये। जितेश्वर, ये बताइए गाने के बारे में, गाने के क्या बोल हैं, कौन कौन से लोग हैं इसमें, और कौन कौन, कैसे आप चाहते हैं इसे शूट करना? ये गाना जो है आधारित है अयोध्या के ऊपर, भगवान जय श्री राम, और जो हमारे वहाँ के कर्ता धर्ता हमारे सीएम साहब हैं, उनका भी नामित किया गया है इस गाने में, जो कि अभी गाना गा दूंगा तो लीक होने के नहीं करना चांसेस है, चाहते तो इसलिए मैं आप? एक्साइटेड हूँ गाने के लिए। हो सकता है कलों के मौका मिलेगा आप लोग के सामने गाने को, तो बड़े खुशी से और बड़े धूमधाम से गाना लॉन्च करेंगे भगवाधारी। इनके यहाँ से जितने गाने रिलीज हुए हैं, सब जी बड़े गाने रिलीज हुए हैं, इनके प्लेटफॉर्म से जितने भी गाने आए हैं, लैंग्वेज इंडिया से लेकर जो भी गाने आए हैं, बढ़िया गाने आए हैं, तो क्या उसी बड़े लेवल पर आप इस गाने को शूट करना चाहते हैं? देखिए, कोशिश आदमी इंसान करता है, गाने तो गाना बना है अच्छा, और इम्प्लीमेंट भी करेंगे कि अच्छा वीडियो बन जाए, जो हमने सोचा है वो चीज़ें हो। और क्योंकि अयोध्या के धरती पे जय श्री राम जी का, वहाँ का उनका जो मूर्ति बन रहा है, वहाँ पे जो भव्य मंदिर बन रहा है, वो दिखाना बहुत मेरा मकसद था, और अयोध्या में शूट करना मकसद था। क्योंकि ये शूट हो सकता है हम बम्बई में भी कर सकते थे, क्रोमा वगैरह पे मज़ा नहीं आता, तो फील डालने के लिए खुद हम यहाँ से मुंबई, हम मुंबई से हम अयोध्या जा रहे हैं, तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे रहे हैं, तो अच्छा बनने के लिए ध्यान दे रहे हैं, तो ऊपर वाले की, बाकी ऊपर वाले के आशीर्वाद बनेंगे। ये भैया, आप भी इनके गाने में कोई रोल करना चाहेंगे? मैं रोल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब तक ये वहाँ शूट करेंगे तब तक मैं ना मुंबई में रहूँगा ना अयोध्या में रहूँगा। मेरा थोड़ा शेड्यूल कुछ बन गया है दूसरा, बाहर जाने का, अब्रॉड का, तो ये आप शूट विदेश में करें, रहेंगे? हाँ शायद मैं बाहर रहूंगा, विदेश में रहूंगा, किस देश में रहूंगा ये आपको नहीं बताऊंगा नहीं तो आप मेरा पीछा वहां भी करते रहते हैं, आप व्हाट्सएप कॉल लगा के, आप पता नहीं, मैं तो बड़ा सरप्राइज रहा कि आप व्हाट्सएप कॉल पे कैसे रिकॉर्डिंग कर लिए मेरी बातों का इंटरव्यू के लिए। दैट टाइम मैं बाहर था, और मुझे लगा कि आप मुझसे सिर्फ बात कर रहे हैं चीज़ों के बारे में पूछने के लिए, फिर शायद नेक्स्ट डे आपने वो इंटरव्यू को एयर किया जो है, तो मुझे किसी ने, शायद आपने या जिसने भी मुझे, आपने नहीं किसी और ने मुझे उसको भेजा कि ये कोई इंटरव्यू आपका है। मैंने बोला मेरा इंटरव्यू? मैंने सुना, मैं तो बोला ये तो हूँ। मैंने कल व्हाट्सएप कॉल पे मैंने त्रिपाठी जी से बात की थी, फिर ये कैसे हो गया? मैं आज तक नहीं जानता था कि जो है कि व्हाट्सएप कॉल पे भी इस तरीके से इंटरव्यू हो सकते हैं, रिकॉर्डिंग हो सकती है। खैर, तो मैं बाहर रहूंगा, और मेरा शायद है 2-3 दिन में ही यहाँ से, मुंबई से ही निकल जाने का प्रोग्राम है, तो ये जाएंगे वहाँ पे, वहाँ पे हमारी टीम है, ऑफिस है, वहाँ पे ऑफिस के लड़के हैं, सब लोग इनको पूरा हेल्प करेंगे, और इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट ये है कि गाना बहुत अच्छा है इनका, साफ सुथरा, बढ़िया गाना बनता है, साफ सुथरा। देखिए, हमारी पहली कोशिश रहती है, हमने पहला ही बोल रखा है अपने पूरे टीम को कि हमारे गाने में कोई भी डबल मीनिंग, कोई भी मतलब इस तरीके की चीज़ें ना हों जो मुझे खुद जो है झेप लगे सुनने में। हमारे भी दो बच्चे हैं, दो बच्चियां हैं, हमारी बेटियां हैं, या फैमिली है, या दोस्त हैं, यार है, कोई भी है। तो खैर, इनका गाना चूंकि भगवान राम पे आधारित है, अयोध्या पे आधारित है, तो नेचुरली कुछ ऐसा होने का चांस ही नहीं था, तो इस बात को कहने का कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी ये कोशिश रहती है कि हमारे गाने जो भी हों वो साफ़ सुथरे हों।
क्या और नए सिंगर्स को मौका दे रहे हैं आप? दे रहे हैं बशर्ते कि अब नए सिंगर्स का मतलब ये नहीं कि किसी को भी दे देंगे, उसके अंदर कुछ होना चाहिए। अगर वो सिंगर है, सिंगर का मतलब मैं भी सिंगर हूँ, मैं बाथरूम में बैठ के गाता हूँ, बहुत अच्छा गाता हूँ, उस समय मेरी जो आवाज़ है वो बिल्कुल नेचुरल निकलती है, लेकिन आप उसको रिकॉर्डिंग करके चैनल पे नहीं डाल सकते हैं, समझ रहे हैं ना? तो सिंगर खुद को बोलना और सिंगर होना अलग अलग चीज़, ये कैसे डिसाइड करेंगे? किसी की आवाज़, बहुत लोग हैं जो नहीं मौका मिला है लेकिन उनकी आवाज़ अच्छी होती है, तो हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं, अगर कोई ऐसा भी है तो हम उसको भी मौका देंगे। तो इनकी आवाज़ तो खैर बहुत बहुत ही बढ़िया है भगवान की कृपा से, और अच्छा गा रहे हैं और मौका हम जरूर दे रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों को हमने मौके दिए हैं, बहुत जल्द आप लोगों को सुनने को मिलेगा चैनल पे। हितेश्वर जी, मुबारकबाद आपको गाने के लिए और बड़ी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ। जी जी, थैंक यू।